ठीक है, ब्रिटेनिया का है, 17 जुलाई का, 27 का एक्सपायरी है। हाँ ठीक, हाँ हमारे साथ सुरेश जी ओके, हैं, उन्होंने ट्रेड लिया था। सर आपने कौन सा ट्रेड लिया था? पुट साइड पुट लिया था। लिया था, मार्केट उनके अगेंस्ट गया, तो देखते हैं गलती किससे हुई, मार्केट ने कुछ शरारत किया है या हमारी गलती थी। अरे ओके, व्यवस्थित जल्दी नहीं बता रहा हूँ सर, मुझे अरे नहीं सीखना सर, है, मुझे पता मैं नहीं वीडियो चल रहा। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा वीडियो जैसे बना रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 200 पे, राइट। हाँ यस सर, सपोर्ट सपोर्ट 100 पे है। ओके यस राइट, सर सर अगर हमको बाइंग पुट बाइंग करनी है तो 221 हाँ 222 से करेंगे, राइट। ओ और देखेंगे हम देखेंगे हम एक्सटेंशन एक्सटेंशन किधर आता है किधर बोल आता है। के, हाँ, उधर सही 222 का हंड्रेड। प्राइस है, वहां से पुट बाइंग का बनता है, वो कंफर्म करेंगे पुट बाई करना है या नहीं। अभी देखिए, ओके जब भी मुझे रेड के साथ कुछ और कलर दिखेगा, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ यहाँ हाँ राइट, ओके कंफर्म करूंगा कि शिफ्टिंग हो रही है, होने वाली है, या उसका कोई मतलब नहीं। ओके फर्स्ट देख लेते हैं जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट वाला है। रेजिस्टेंस कहीं ऊपर की तरफ तो शिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, वॉल्यूम राइट। अब OI पे चलते हैं, राइट। चेक करके वो नीचे हाँ, जाएगा, ऊपर तो लाइक कर देखिए देंगे, ऊपर ये समझिए। नाइनटी यस नाइन परसेंट से सर नीचे आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं रहा, वो घट यस रहा सर है, राइट, ऐसे मार्केट को ऊपर नहीं ले जाएगा ये। ओके, अगला देखते यस हैं, सर अगला यस देखते सर हैं, सर अगर ये नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ हो ओके तो क्या होगा, मार्केट में बुलिश प्रेशर होगा, ऊपर की तरफ प्रेशर होगा, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। 9:99, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये यस नीचे की सर तरफ सर जाने की कोशिश कर रहा है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। अब बताइए, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, या क्या है? अभी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है स्ट्रांग है सर, सर, सपोर्ट सपोर्ट ये नीचे की नीचे की तरह तरफ आने आने की की कोशिश कोशिश कर रहा कर है रहा सर। है। नहीं ना, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है बिकॉज यस सर सर इसका परसेंटेज घट रहा है ना, राइट, ये यस सर बढ़ नहीं सर रहा है, परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, राइट, तो ये अभी के लिए स्ट्रांग यस है, सर और ये OI चेंज की यस वजह से सपोर्ट भी स्ट्रांग है, राइट। ऐसे सर सिचुएशन में क्या होता है, 5200 5222 से हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं OI से, 9:45, 9:45, ठीक है, बाई कर सकते हैं 5222 से ब्रिटेनिया में पुट बाई कर सकते हैं। बाकी ये सब तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, ब्रिटेनिया, ओके सर ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, हमारा बाइंग लेवल है, पुट बाइंग लेवल है 221 221 ओके 21, राइट। अब थोड़ा रिस्की खेलना है तो कहाँ से करेंगे, 166 जो 150 का है, 167 167, ओके ठीक है। अब बताइए इसमें दिक्कत क्या है, टारगेट भी देख लेते हैं, मार्केट ऊपर गया है नीचे गया है, मुझे तो नीचे दिख रहा है। टारगेट हमारा मिलेगा वो लगभग मिलेगा 120, और दूसरा टारगेट मिलेगा 70 120 टारगेट 120। सही अब बोलिए, ट्रेड आपने कहाँ कितने बजे लिया था, 9:30 के करीब मिला ना, है, नाइन वो थर्टी ट्रेड गलत हो गया 9:44 लगभग यहाँ पे लिया था आपने ट्रेड। ओके, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, आपके अगले लेवल तक तो नहीं गया है, अगर ऐसे ले लिए ठीक है, मार्केट फिर दोबारा आया है, राइट, नीचे जाके रिटेस्ट भी गया है, ये क्वेश्चन। एंट्री बन सकता था, ये एंट्री बन सकता था, ये भी एंट्री बन सकता था, राइट। और एक मैं बार बार बोलता हूँ, अगर सर आपने सर लेवल पे लिया है, ब्लंडर नहीं किया है, तो मार्केट आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका तो देता है। तो आपने कहाँ पे लॉस बुक किया, इसमें लॉस बुक किया, ठीक है, सुबह सुबह एक मैं अर्ली में ट्रेड लिया था, इसके कारण से थोड़ा वोलेटाइल रह गया और ऊपर चला गया, जाना तो उसको नीचे ही था, 120 का टारगेट भी मिला है। रेड कलर का, रेड कलर सॉरी वो ग्रीन कलर, वो विज्ञान है ग्रीन कलर का, हाँ वो हाँ आपने कर्सर रखा है उधर ही वो मैंने स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, लगाया। अच्छा, मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए ही गया था, आपके स्टॉप लॉस को ही देख के गया था, ऐसा नहीं लगता है? लगता अब देखिए इसमें गलती क्या है, एक तो सेफ लेवल जो था वहां से आपने नहीं लिया, रिस्की पे लिया, राइट, रिस्की पे लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना आप गलत हैं, ना एओसी गलत है, ना मार्केट गलत है, मार्केट को भी तो खाना है ना पैसा, राइट। आपने सर आपने बहुत अर्ली एग्जीक्यूट कर दिया ट्रेड को, राइट, और यस यहाँ पे सर जहां पे आपने ऐसे लगाया था वहीं तक गया है, वहीं से खा के वापस आ गया हो, उसके बाद दोबारा उस पॉइंट को टच नहीं किया होगा। यस सर वो ओ आई है ना, वो भी वो रे हाँ क्या बोलते हाँ हैं, रेड वो कलर क्या, वो मैंने क्या मैंने क्या देखा कहा, सर हाँ वो मैं भी ओके देख लिया, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आपका ट्रेड सही था, गलत नहीं है, राइट। ये रिस्की सर था बिकॉज ये रिस्की लेवल थे, सेफ लेवल ये था,
टारगेट ये वो था। पता चला फिर वो रिस्की बोल के पता चला। बाद में वो आई भी चेक किया, बाद में वो परसेंटेज भी चेक किया, पूरा सब चेक करने के बाद ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ओके, कोई बात नहीं, मैंने वही पूछने के लिए आपके आपको वही के लिए। अब वही 20 मिनट रुक गए होते तो आपको यही सेफ ट्रेड हो जाता ना, ऊपर गया ही नहीं उसके बाद तो। हाँ वही सर, वही वो भी देखे हमें। हैपेंस, कभी कभी हो जाता है मार्केट। देखिए जब रिस्की ट्रेड रहता है ना, मार्केट ऊपर तक तो जाने का रखता है ना दम, यहाँ तक जा सकता है मार्केट, हाँ राइट, यस सर, यहाँ सर तक जा सकता है। तो आपको ये भी रिस्की अगर शुरू शुरू में ले रहे हैं तो थोड़ा एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि मैं जैसे इस लाइन पे, सपोज आपने इसके लाइन के ब्रेकडाउन पे लिया, जैसे लाइन के ऊपर क्लोज किया कैंडल निकल जाऊंगा, ओके सर है ना। जैसे आपने मान लीजिए कि इस वाले कैंडल पे लिया जो नीचे कोई क्लोज हुआ उसको लिए, जैसे कोई कैंडल ऊपर क्लोज कर दे रहा है तो निकल जाइए, ओके है सर ना, छोटा एसएल छोटा हो वो जाएगा। फिर से वही लेवल पर आने के बाद वो नीचे जाएगा तो हम ले सकते हैं क्या? अभी बोला ना हाँ आपने फिर से पूरी ले सकते हैं, और क्या दिक्कत है, फिर से ले टेस्ट सकते हैं। करके। हाँ 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 यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, ये एकदम बढ़िया सा हो जाता है। जो रीटेस्ट करता है ना ब्रेकडाउन के बाद, वो वाला लेवल बढ़िया होता है। और यहाँ भी लिए हैं ऊपर, वो क्लोज ओके कर दिया तो ऐसे ले लेंगे, इमोशन में नहीं पड़ेंगे, हाँ एसएल राइट। ले लेंगे सर, वो कोई अब बात नहीं। देखिए यहाँ मान लीजिए आपको 5 पॉइंट का एसएल गया, यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 पॉइंट का गया, लेकिन टारगेट तो आपको बड़ा मिला है ना, 50 पॉइंट का हाँ टारगेट यस मिला है सर यस सर ना, वो तो टारगेट दिक्कत। टारगेट देखो सर 120 के चूक कर ही ऊपर गया। हाँ, जो लेवल आ रहे थे वहीं पे गया है, होता है, हैपन्स। आपका ट्रेड सही था, आपका सोच सही था, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आपको लगे कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं था। मुझे लगा आपने यस यहाँ सर से यस सर पी लिया, और जैसे मैंने तो देखा नहीं था चार्ट, आपने यहाँ लिया और मार्केट ऊपर ऊपर ही चला गया, यस सर यस ऐसा सर यस सर ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, सब सही है, मार्केट भी सही है, मार्केट को भी तो थोड़ा पैसा चाहिए ऊपर कोई नहीं भी। नहीं सर। नहीं अभी सर, एक अभी देखो सर, अभी भी मैं ये जनरल ये पूछता हूँ, एक एक 1 रुपीज से 5 रुपीज तक का हमको एक्सटेंशन, अभी एक एक्सटेंशन का हमारा सपोर्ट है 3 और 5। हाँ उसमें अभी ट्रेड कर रहा है वो, 3 और 5 में बीच में ट्रेड कर रहा है वो हमारा मार्केट। जी तब वो ऊपर नीचे नीचे वाला वाला बताएगा बताएगा ये ये सपोर्ट बोल सपोर्ट के, बोल ऊपर के, वाला ऊपर वाला बताएगा बताएगा रेजिस्टेंस बोल, वो कंफर्म रेजिस्टेंस कैसे कैसे कर कर सकते सकते हैं हैं हम। ओआई का ग्राफ देखिए ना, ओआई में ओआई में हम दोनों भी दोनों चेक भी चेक करना करना चाहिए क्या, चाहिए क्या वो वो 5 रुपीस वाला भी, ₹5 फोर वाला रुपीस भी वाला ₹4 भी, वाला भी वो वो नीचे नीचे गिर गिर रहा रहा है है क्या, क्या ऊपर ऊपर जा जा रहा रहा है है बोल बोल के। के। हाँ 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 ओके ओके सर, सर वो वो कौन 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 प्रेशर प्रेशर दे दे रहा रहा है है बोल बोल के के हम हम एक एक